आखिर क्यों वैज्ञानिकों ने प्यारे से दिखने वाले इन पेंगुइन्स को धरती और मानवता के लिए खतरा बताया? क्या है इसके पीछे का सच और क्यों ये पेंगुइन इतने खतरनाक हैं? दरअसल वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट की मदद से पेंगुइन के समूह को देखना स्टार्ट किया और वहाँ पर कुछ अजीब से कलर के धब्बे पाए गए। लेकिन ये अजीब से धब्बे कुछ और नहीं थे बल्कि ये पेंगुइन के पोप थे, मतलब पेंगुइन का मल। और जाहिर सी बात है, जितने ही ज्यादा पेंगुइन होंगे उतना ही ज्यादा उनका मल भी होगा। अब आप सोचोगे कि ऐसा तो हर जानवर या जीव करते हैं, लेकिन इनके इस मल से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा काफी बढ़ गया है। ये पेंगुइन काफी नाइट्रोजन रिच फूड खाते हैं, जैसे कि मछली या फिर झींगा, और ऐसा खाना खाकर ये पेंगुइन काफी मात्रा में नाइट्रो ऑक्साइड गैस छोड़ते हैं जो कि पूरी पृथ्वी के लिए खतरनाक है। और एक रिसर्च से पता चला है कि पेंगुइन के मल से निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड से 40 गुना ज्यादा खतरनाक है, और इसलिए अंटार्कटिका में ग्लोबल वार्मिंग का खतरा हमेशा बना रहता है। तो गाइस, फैक्ट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।